हेलो दोस्तों, DTECHW चैनल में आपका स्वागत है। वीवो अपने वी सीरीज़ में एक नया फ़ोन V21e 5G को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस फ़ोन का 4G वेरिएंट मलेशिया में लॉन्च कर चुकी है। इंडिया में V21e 5G को 24 जून को लॉन्च किया जाएगा। फ़ोन की जो स्पेक्स लीक हुई है उसके अनुसार इसमें 6.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसमें HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा। फ़ोन के डिस्प्ले में पिक्सल पर इंच डेंसिटी 409 है और इसकी पीक ब्राइटनेस 800 निट्स है। इसके बैकअप के लिए 4000 की बैटरी के साथ 44 वाट की चार्जर दी जाएगी। फ़ोन का चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी का 700 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा। ये एक 5G प्रोसेसर है जो 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। इसके अलावा फ़ोन के गेमिंग ग्राफिक्स के लिए माली G57 MC2 का कोर मिलेगा। इस प्रोसेसर का Antutu 8 पर स्कोर लगभग 2,90,000 है और Geekbench 5 पर 1,669 है। फ़ोन के रियर में ड्यूल कैमरा का सेटअप होगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा सेंसर 64 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ दिया गया है। इसके कैमरा सेंसर का पिक्सल साइज 0.8 माइक्रोन का होगा। सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिसका अपर्चर साइज 2.2 और पिक्सल साइज 1.12 माइक्रोन का है। इस अल्ट्रा वाइड कैमरा से 119 डिग्री का इमेज क्लिक कर सकते हैं। कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD 30 FPS पर और 4K भी 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, इससे भी फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा साउंड सपोर्ट में 3.5mm जैक, लाउड स्पीकर, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, GPS, USB Type-C2 और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 22 से 25 हज़ार के बीच हो सकता है।